जब मस्जिद जाते हैं ना तो वजू करके जाते हैं, ऐसे नहीं जाते, ठीक है ना? वजू करके जाते हैं तब। बंद शूज पहन ले। करनी जा रहे हो किधर? क्या करने, क्या करने जा रहे हो? क्या पढ़े जाने? किसके साथ पढ़ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ड्यू फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। अभी जी सुबह 7 बजने वाले हैं सुबह के, और मैंने अब्दुल हादी की तैयारी की है, लेकिन वो कहता है ना मैंने कैब करनी ना मैंने शूज पहनने। अब्दुल हादी, अभी बिलाल और अब्दुल हादी मस्जिद जा रहे हैं, अब वो चले भी गए क्योंकि 7 बजे से पहले इन्होंने जाना होता है, और फिर ये है कि 8 बजे इनको छुट्टी होती है और 8 बजे स्कूल की तैयारी कर लेते हैं। अभी बंद शूज़ अब्दुल हादी ने नहीं पहने क्योंकि वहाँ पर उतारने में काफ़ी मुश्किल होती है, सॉक्स वैस मैंने पहना दी थी। और आज काफ़ी दिन बाद धुंध सुबह सुबह फिर हो गई थी, काफ़ी दिन मौसम जो है ना इतना क्लियर रहा है। सुबह उठते थे तो ऐसा लगता जैसे गर्मियों का मौसम होता है और फौरन सूरज माशाल्लाह से निकल आता था, लेकिन आज जब उठी हूँ तो इतनी ज़्यादा धुंध थी ना जब सुबह फजर टाइम उठे, और सूरज भी बादलों में से निकलने की कोशिश कर रहा है, अभी फिर गायब हो गया, थोड़ा थोड़ा निकल आया है। और माशाल्लाह से जी बहुत प्यारा मौसम है, सुबह सुबह का व्यू जो है ना वो देखने वाला होता है, दिल खुश हो जाता है और आंखों को ठंडक महसूस होती है।
बच्चे भी थोड़ी देर पहले गए हैं लेकिन छुट्टी हो गई क्योंकि टाइम जो है ना वो मस्जिद का भी चेंज हो गया है और उसके बाद स्कूल का भी चेंज हो गया। पहले स्कूल 9:30 बजे लगता था, सब बच्चे जो है ना फिर वो 7 बजे चले जाते थे, लेकिन अभी स्कूल का टाइम 8:30 बजे हो गया है और इसलिए उन्होंने मतलब जो है ना वो 7:30 ही छुट्टी कर दी है। आधा घंटा सिर्फ गए और अभी वापस भी आ गए। तो मैंने बिलाल से कहा कि आप जल्दी से ना आग जलाएं, लेकिन बिलाल से आग जलती नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है आग जलाना। तो अभी मैंने बर्तन साफ कर लिए। हमारी मुर्गियाँ जो है ना वो बड़ी बेचैन हुई हुई हैं, खास तौर पर जो मुर्गा है ना वो तो फजर टाइम की अजाने दिए जा रहा है कि बाहर निकाल दें बाहर निकाल दें। और माशाल्लाह से जी अभी धूप भी निकलने लगी है, सूरज भी ऊपर आ चुका है। तो अभी निकालते हैं जी मुर्गियों को बाहर और फिर जब आटा गूंदेंगे ना तो साथ इनको इनका खाना पीना इनको दे देंगे। हाँ जी आ जाओ बाहर, कब से शोर मचाया हुआ है आपने। बिलाल और अब्दुल हादी चले गए हैं जी दुकान पे, चीनी खत्म हो गई थी सुबह सुबह चीनी लेने चले गए और मैंने कहा ठंड मुझे महसूस हो रही थी, पहले भी गर्म कपड़े पहने हुए थे लेकिन फिर भी मैंने ऊपर पहना दिए। और मेरी काफ़ी बहने जो है ना इनके बालों की कटिंग की, हमें तकलीद करती कि इनके बाल कटिंग करवा दें, तो आज इंशाल्लाह जी इनके बाल कट हो जाएंगे। वैसे इनके पापा को काफ़ी ज़्यादा शौक था कि इनके बाल जो है ना वो थोड़े लंबे लंबे हों अच्छे लगते हैं, लेकिन जो है ना वो फिर सब बहन कहते हैं कि बच्चों को अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे स्कूल जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम अपना शौक़ पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी बहुत छोटे हैं तो सब कहते हैं कि अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पर देखें जी बिलाल ने आग जलाई। अस्सलाम वालेकुम, आ गए हो? हाँ जी जल्दी आ गए। और चीनी भी लेके आया जी और चीज़ भी लेके आया, ये देखें जी। वाह, एक चॉकलेट और एक रस का पैकेट। चीनी आप पकड़ो चीनी। दिखाओ क्या क्या लिया।
और चॉकलेट तो बिलाल ने नाश्ता जो है ना वो कर लिया है और स्कूल का टाइम हो चुका है और अभी दूसरे बच्चे भी जो है ना वो भी रास्ते में आ चुके हैं और बिलाल कहता है जी मैं अब निकलता हूँ क्योंकि लेट हो रहा था काफ़ी और अब्दुल हादी भी जिद किया खड़ा था जी मैंने भी स्कूल जाना है। अब्दुल हादी आपने भी स्कूल जाना था नहीं। क्या करना था आपने फिर अब क्या करना है पापा, जी जाना आपने स्कूल जाना है चलें आप दोनों को स्कूल भेजते हैं बस जी अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही थी आप लोगों को स्कूल जो ना एडमिशन करवाते हैं बिलाल को स्कूल भेजने के बाद जी हमारे बच्चों का नाश्ता होता है जी बच्चों ने कहा जी हम नाश्ता करते हैं और सूरज जो ना माशाल्लाह इतना तेज़ निकल चुका है जी अभी धूप बहुत ज़बरदस्त निकल चुकी है और बेगम साहब यहाँ पे जी नाश्ता धड़ाधड़ बनाई जा रही है और इन्होंने कहा जी हमने क्या खाना है जी दही और रोटी और ये इनकी फेवरेट डिश होती है जो मतलब कि ये शौक से खाते हैं। बहुत जल्दी ये भी स्कूल जाएंगे तो फिर इनकी भी परेशान लग जाएगी कि बच्चों ने तैयार होना है बच्चों ने जाना है नाश्ता करना है इस तरह ना काफ़ी काम होते हैं फिर सबसे ज़्यादा परेशानी होती जी माँ को बस हाँ जी उनका स्कूल भेजने का इतना टाइम वेस्ट होता है परेशानी होती है स्कूल आने बच्चों ने आना है फिर परेशानी होती है कि बच्चों ने स्कूल से वापस आना है उनके खाने का बंदोबस्त उनके बैठने उठने का बंदोबस्त कपड़ों का बंदोबस्त ये सारी जिम्मेदारी माँ संभालती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है और आज काफ़ी दिन बाद मैं बना रही हूँ लस्सी। दही तो वैसे हमारी रोज़ ही बनती है लेकिन मैंने कहा जी आज लस्सी भी साथ बना लेते हैं और हमारे हर व्लॉग में सुबह की खास तौर पर जो रूटीन होती है ना उसमें पराठे होते हैं लेकिन आज मैंने सादे सिर्फ घी वाले पराठे बनाए हैं। साथ दही होगी लस्सी होगी और साथ सालन होगा। चाय भी बनाई है लेकिन मैंने कहा चाय हम ठहर के पियेंगे सबसे पहले लस्सी के साथ नाश्ता करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्योंकि अभी दिन को ना इतनी कड़ाकेदार धूप निकलती है कि गर्मी लगने लगती है इसलिए अब जो है ना लस्सी भी सही है और अब हमारी चाय जो है ना थोड़ी कम होती जाएगी और लस्सी ज़्यादा होती जाएगी क्योंकि गर्मी में चाय हमसे नहीं पी जाती लोग तो पीते हैं लेकिन हम सिर्फ सर्दियों में पीते हैं ज़्यादा और गर्मी में बस लस्सी होती है और दही होती है। नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है और बच्चों ने तो पहले ही नाश्ता कर लिया था और यहाँ पे जो हमारे पास माशाल्लाह पराठे हैं और ये वाला रुमाल जो है ना ये हमारे पास तकरीबन मेरे ख्याल को 1.5 साल होने वाला है हमारे पास मौजूद है। क्या हो गया आपको? क्यों 1.5 साल? कितने साल हो गए? ये मेरी शादी का है। इस्तेमाल करते हुए मैं बता रहा हूँ इस्तेमाल करते हुए 1.5 साल हुआ है ना। मैं वैसे तो आपकी शादी क्या मैं क्या कौन सा कह रहा हूँ मेरी शादी का लिया था ना, मतलब शुरू से निकाल लिया था जी। मतलब फिर तो 4 साल हो गए। फिर 4 साल हो गए। चलो जी मैंने आपको मैंने आपको बताया जी 1.5 साल लेकिन 4 साल होने वाला है लेकिन इसका रंग नहीं खराब हुआ क्योंकि ये हाथ से बना हुआ है। ये मेरी अम्मी जान ने बनाया था अपने हाथों से। माशाल्लाह बस जी जो ओल्ड औरतें हैं ना हमारे बुजुर्ग जो ना वो बहुत मेहनती थे वो अपने हाथों से काफी चीजें बना लेते थे अपनी बेटियों के लिए तो अभी भी ये माशाल्लाह वैसे रंग इसका है और साथ है जी दही
उसके साथ सालन जो कि रात का है हमारे पास, काफी फ्रेश पड़ा हुआ है अभी तो आपको पता सर्दी है, और साथ मिट्टी का गिलास और साथ जी मिट्टी के जग में लस्सी, और लस्सी के अंदर जो मक्खन पड़ा हुआ ना इसकी तो फिर क्या ही बात है माशाल्लाह। ये आपने पता क्या बना दिया, हम पंजाबी में कहते हैं बूरा बन गया। हाँ जी, तो बूरा कौन कौन पीता था ये देखे, कौन कौन पीता था, अभी मैं पीती हूं, माय फेवरेट लस्सी इंतखाब भी निशान लस्सी। हाँ जी, लस्सी को इंग्लिश में कहते हैं लस्सी, लस्सी। और जैसे जैसे धूप पड़ रही है ना, और इसके ऊपर सुबह इतनी ज़्यादा ना नमी थी, ये देखा अभी गिले गिले लग रहे हैं ना आपको, ये देखे, और अभी ये खुश्क होना स्टार्ट हो चुके, ये देखे धूप पड़ रही ना, ये नीचे नीचे पानी आ रहा है इनका। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ते के बाद जी चाय, और वो भी चाय प्याले में, और बेगम साहब तो गर्मा गर्म चाय पिए जा रही है, और मैं पीऊँगा, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर ऐसे ही है ना जी। बिल्कुल जी, अभी काफ़ी देर हो गई है मैं नाश्ता किए हुए को, और ये आपका मुर्गा सारा दिन बोलता है, मुझे लगता है इसे छुरी लगानी पड़ेगी। क्या कहते हैं, सोचना भी नहीं हमारे मुर्गे को, नहीं ये सारा दिन जो ना वो वाइट वाले मुर्गे को मारता भी है और तंग भी बहुत ज्यादा करता है, तो मैं तो कहता हूं हमें खिला दें, ये नहीं अभी नहीं खिलाऊंगी, अभी बच्चा है, वो इसी उम्र में खाना चाहिए, नहीं अभी वो अपनी जिंदगी एंजॉय करेगा, इतनी जल्दी मैं दुनिया से नहीं जाने दूंगी उसे। चलो जी, नहीं खाते,